अब्बास सिद्दीकी साहब भी शिरकत किए कांग्रेस और लेफ्ट के साथ, तो इतने दिन से जो आपकी बातचीत चल रही थी अब्बास सिद्दीकी के साथ, आपको भरोसा था उन पर कि आपके साथ जाएंगे, और आज उन्होंने जो है अभी पीएमसी अपना कांग्रेस और लेफ्ट को सपोर्ट दिया है, तो आप इस पूरे माहौल में कहाँ रहते हैं सर? एमआईएम और आपका क्या स्टैंड रहेगा? एक शायर का शेर है, मैं अकेला ही चला था जानी में मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। इस पे इसका आपके सवाल का इस पर जवाब इतना ही है। और दूसरा यह है कि इस पर एक मौजू वक्त पर मैं इसका जवाब दूंगा। अच्छा, तो कल लेकिन आपकी क्या बातचीत चल रही है अब्बास सिद्दीकी के साथ, क्या हो रहा है वहां पे? बताऊंगा आपको, तफसील से बताऊंगा, थोड़ा सही वक्त। मीडिया रिपोर्ट्स ये है कि अब्बास सिद्दीकी जो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गए, कहीं ना कहीं बीजेपी को हेल्प करेगा। देखिए, मैं किसी का तर्जुमान नहीं हूँ, वो काबिल लोग हैं, वो आप इस सवाल का जवाब वो दे सकते हैं। सर, मतलब आपका राय क्या है, मतलब आप क्या सोच रहे थे पहले? अब तो आपकी बातचीत चल रही थी, अभी अब्बास सिद्दीकी साहब आपको सपोर्ट कर रहे थे पहले? नहीं, तो अब तो सब आपके सामने हर चीज है, तो ये सवाल करना ये बेमाने है। आप तो देख चुके हैं सब, तो मैं जहाँ तक मुझे कुछ कहना है इस बारे में, मैं एक अप्रोप्रिएट टाइम पर सब बताऊंगा। सर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज वैक्सीन लिया है, पहला वैक्सीन। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, देश में सबको कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन लेना जरूरी है, और चाहे वो कोविशील्ड हो या कोई वैक्सीन कोवैक्सीन हो, प्रधानमंत्री ने लिया और लेकर देश को ये बताया कि सबको वैक्सीन लेना है। मेरा मोदी सरकार से एक सवाल है कि जर्मनी की सरकार ने ये कहा है कि जो कोविशील्ड है, जिसको ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका बनाती है, और जिसका इख्तियार उन्होंने यहाँ पर सीरम को दिया है, तो जर्मनी में और उनका जो पब्लिश डेटा है वैक्सीन साइट पर एस्ट्राजेनेका का, वो ये कहता है कि वो वैक्सीन 18 से 64 इयर्स के लोगों के लिए अच्छा है, 64 के ऊपर जो लोगों के लिए उतना इफेक्टिव नहीं है। तो हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या ये बात सच है कि एस्ट्राजेनेका का जो कोविशील्ड वैक्सीन है, जर्मन सरकार ये कह रही है कि 18 और 64 इयर्स के लिए अच्छा है, उसके ऊपर के लोगों के लिए इफेक्टिव नहीं है। और आज इत्तेफाक भी यह है कि वजीर आजम ने कोवैक्सीन लिया है। मैं इस बात को मानता हूं कि सबको देश में सबको लेना पड़ेगा, ये वैक्सीन लेना पड़ेगा, मगर सरकार से हम ये इस बात का मुतालबा करते हैं कि जरा इसका ये जो कंफ्यूजन है, इस पर थोड़ा उसको इस कंफ्यूजन को दूर कर दे। अब वैक्सीन तो लेना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हर गरीब आवाम तक ये वैक्सीन सरकार उनको पहुंचाएगी, और क्योंकि आज भी लोगों की मौत हो रही है, जनता परेशान है, खास तौर से भारत के 3-4 स्टेट्स में फिर से थोड़ा केसेस बढ़े हैं, इस पर मुझे इतना ही कहना। सर, पंडाल वाले थे क्या आप जो मौजूदा अभी आप प्रयास कर रहे थे, आप बातचीत कर रहे थे, जो मौजूदा सिचुएशन हुई है उससे क्या आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए हैं? नहीं नहीं नहीं, देखिए, मैं कभी भी नाउम्मीद नहीं होता हूं, और हमेशा मैं उम्मीद रखता हूं अल्लाह से, और एक पॉजिटिव आउटलुक रखना चाहिए। नाउम्मीदी क्यों होना चाहिए? नाउम्मीद होने की जरूरत ही नहीं है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, कोशिश करते रहेंगे, ऐसा कोई बात ही नहीं है। सर, मतलब अभी देखिए उनका स्टेटमेंट तो पब्लिक डोमेन में है, अभी उनके अंकल का भी स्टेटमेंट आया है कि असद साहब को कोई जगह नहीं है वेस्ट बंगाल में बोल के, मतलब सर इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? अभी ये नया स्टेटमेंट में क्या बोलेंगे आप, और अब्बास सिद्दीकी साहब के स्टेटमेंट में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं तो उनके अंकल कौन है, क्या नाम है उनके अंकल का? कुछ तोहा सर। क्या बोल के?
मतलब वो लोग कह रहे हैं कि वो कौन सी पार्टी में है, वो वही पार्टी में और उनके मिर्जा दा थोड़ा सा नहीं नहीं वो कौन सी पार्टी में, टीएमसी के है वो पार्टी के है नहीं नहीं वो टीएमसी के हैं, तो वहाँ से जी टीएमसी के हाँ वो टीएमसी के हैं तो टीएमसी तो बोलेंगे ना सर। पहले कहीं ब्रिज ब्रिज हो गया है क्या, ब्रिज कर दी है वो आपात से दिखी है। अरे क्या डिच विच का कहाँ है भाई, कोई डिच विच नहीं है, कोई बात ही नहीं है इस बारे में। सही वक्त पर बोलूंगा, तफसील बताऊंगा पूरी। अरे नाराज क्या है, देखिए हम गुजरात गए, गुजरात में हम सिर्फ मेहनत किए, वहां पर हमारे 7 कॉर्पोरेटर अहमदाबाद में जीते। अब हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला भरूच से, गोधरा से, मुडासा से भी हमारे कैंडिडेट्स कामयाब होंगे। हमारा काम चल रहा है, आगे बढ़ेंगे। अब आज हम मीटिंग लेने वाले हैं राजस्थान के बारे में, राजस्थान में पार्टी को इस्टेब्लिश करने का, वो भी करेंगे, बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। मैं 14 इस महीने में उतरौला जाऊंगा, मैं राजभर साहब, शिवपाल साहब से मेरी बातचीत होने वाली है। तो ये हमारा काम चल रहा है, रुकने वाला काम क्या है हमारा। फिर हम गुलबर्गा में हम अपने एक असेंबली कैंडिडेट का, इलियास बागवान साहब का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो हमारा काम चल रहा है। चौथर वेस्ट बंगाल कब जाएंगे सर, अभी पूरे मर्सिडीज में? बिल्कुल जाएंगे, आप फिक्र मत करिए, बताएंगे आपको तफसील से बंगाल के ऊपर आपको बताएंगे। सर आपके दोस्त राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तुलना अंग्रेजों से की। अरे भाई मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है, मैं तो लैला हूँ, बहुत चाहने वाले हैं। अब आप खामखा हर एक को हमारा दोस्त बना देते हैं, ये आपको बड़ी एक बुरी आदत है आपको कि दोस्त बनाने की। अब दुश्मन भी कभी बना दीजिए, नहीं मालूम। सर ये कहीं ना कहीं जो आवाज़ सिद्धि साहब का है, इससे एमआईएम के चुनाव मतलब जो नहीं। देखिए तिवारी साहब, जल्द से जल्द एक सही वक्त पर तफसील आपको बताएंगे। सर मतलब आपके स्टेटमेंट से ये समझ सकते हैं कि आप सोलो लड़ने वाले हो या फिर? अरे आपको जो समझना है आप समझ लो, मेरे जो समझ में हो मेरे दिमाग में मैं बताऊंगा आपको बात। आपने कहा मैं अकेला ही चला था, मैं अकेला ही चला था जानी पे मंजिल, मतलब आप आए, लोग आते गए कारवां बनता गया। तो कोई लोग आ रहे हैं बदल रहे हैं, अकेले ही चलना? मैं अकेले भैया अकेला चलो तो वहीं से निकला ना, अकेला चलो तो बराबर है, बराबर बताएंगे आप। सर मैं बोली मैडम आप सर, जो वैक्सीन आज मोदी जी ने लिए कोवैक्सीन, और उस पे पॉलिटिक्स भी स्टार्ट हो गई है, ऑपोजिशन कह रहा है कि मोदी जी ने वैक्सीन क्यों ली, तो आपका नहीं 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 मैं आप भी वैक्सीन लेंगे फिर? क्यों नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? समय तो सबसे मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि ये वैक्सीन को आप वो कर दो, सरकार को देना चाहिए। तो जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं मैं ये कह रहा हूँ कि वो वैक्सीन हर एक को लेना है जिसका स्टेज 3 के पूरे ट्रायल्स हो चुके हैं, और ये वैक्सीन जरूरी है हम तमाम के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए, और खास तौर से जो एल्डरली स्टेट्समैन है ओवर 65 इयर्स, जिसको हम उर्दू में कहते हैं हमारे बुजुर्ग, उन बुजुर्गों की जान बचाना जरूरी है, क्योंकि एज के लिहाज से कोमॉर्बिडिटी हो सकती है उनको, एज के लिहाज से उनको ये वायरस उन पर अटैक कर सकता है, तो उन पे खतरा है। तो जितने बुजुर्ग हैं 65 साल के ऊपर के, उन पहले उनको लेना चाहिए, और अच्छी चीज है, बिल्कुल लेना चाहिए। मतलब सर ये वैक्सीनेशन जाप को ड्राइव को आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ पॉलिटिसाइज, मैं तो बोल रहा ना बुजुर्ग से ताल्लुक आपका प्रधानमंत्री। नहीं नहीं भाई, उर्दू में जो जईफ लोग होते हैं उनको बुजुर्ग कहते हैं, तो बुजुर्ग लोगों को लेना जरूरी है, बहुत जरूरी है। बुजुर्गों को इम्यूनिटी लेवल कम होता है ना उनका, बल्कि पूरे देश की 137 करोड़ जनता को, जिसमें अगर 18 साल से कम उम्र वालों निकाल देंगे तो उन सबको दिलाना पड़ेगा। बहुत अच्छी चीज है, मैं तो एनकरेज करूंगा लेने के लिए। मतलब उसी टाइप का सवाल भी उठा रहे हैं। हाँ मैं आपको सवाल ये मैं सरकार से सवाल उठा रहा हूं कि इंग्लिश मीडिया के टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, आप ही का सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए आप काम करते हैं, जिससे आपको तनख्वाह मिलती है, उन्होंने अखबार में
एक बॉक्स आइटम बनाकर न्यूज डाली है। अब मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं, उसमें अंग्रेजी पढ़ के सुना दूं आपको क्या लिखा उसमें, सुन लीजिए। जर्मन स्टेट्स वांट अनयूज्ड एक्स्ट्रा वैक्स फॉर यंगर पीपल। उसमें लिखा हुआ है कि सेवरल जर्मन स्टेट्स कॉल्ड ऑन संडे फॉर अनयूज्ड एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस वैक्सीन टू बी गिवन टू यंगर पीपल एज वरीज अबाउट साइड इफेक्ट्स एंड एफिकेसी एज वेल एज रिकमेंडेशन इट बी यूज्ड ओनली फॉर अंडर 65 have meant low take-up of available doses. The German Health Ministry said this week it had administered only 15% of the AstraZeneca shots it has available. Elderly people are first in line to be vaccinated, but Germany has recommended that the AstraZeneca vaccine be given only to people age 18 to 64. ये आप लोग क्या ये कर रहे हैं? अब आप मेरे को क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? आप भी प्रोटेस्ट करें इस दूसरे को डाल के। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री भी आज भारत बायोटेक का वो वैक्सीन लिए हैं, तो सरकार को थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। वैक्सीन तो सबको लेना है, जान बचाने का इसमें कोई, मैं तो सबको बोलूंगा कि प्लीज वैक्सीन लीजिए, और खास तौर से जो 65 साल के ऊपर के जो हमारे बुजुर्ग हैं उन सबको लेना, पहले सबको जाके लेने का, और उसके बाद जो है मैं तो प्रधानमंत्री से अपील करूंगा कि प्रधानमंत्री से मेरी गुजारिश है कि जितने मीडिया के लोग, खास तौर से जो कैमरामैन हैं, जो फील्ड के रिपोर्टर्स हैं, मेरी प्रधानमंत्री से गुजारिश है कि एक स्पेशल ड्राइव कराकर पहले इन लोगों को दिलाइए आप, क्योंकि जितने कैमरामैन हैं, जितने जर्नलिस्ट हैं वो कम उम्र के हैं, कोई 40 साल का है, कोई 35 साल का है, कोई 50 साल का है। तो प्रधानमंत्री का INB मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर साहब को चाहिए कि वो दिल्ली में वो खुद भी लें और तमाम मीडिया के लोगों को बुला के सबको वैक्सीन लगाएं। सर, एक जैसे अब लेफ्ट कांग्रेस के साथ अब्बास सिद्दीकी चले गए, क्या ममता के साथ कोई संभावना अभी भी ऐसी गुंजाइश आप समझते हैं कि बन सकती है, क्या इस दिशा में भी कोई काम करने के लिए चल रहा है या फिर चल सकता है? ऐसा लगता है तिवारी साहब आप TMC के लोगों से टच में हैं। चलिए सर, ओके, थैंक यू। तमिलनाडु में अमित शाह कल गए थे, पांडिचेरी भी गए थे, तो क्या AIMIM किस तरह से वहां पे? तमिलनाडु में हम बराबर इलेक्शन लड़ेंगे, 5 साल पहले भी हम इलेक्शन लड़े थे और वानियमबाड़ी से और एक 2-3 जगह से हम मुकाबला किए थे। वानियमबाड़ी में तमिलनाडु हमारा यूनिट काम कर रहा है, इंशाल्लाह डेफिनेटली तमिलनाडु में हम इलेक्शन लड़ेंगे, हमारे लोग वहां पर काम भी कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ेंगे तमिलनाडु में। आप भी जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे, अरे बराबर जाएंगे। बोलिए, आपको बताओ ना तिवारी साहब, में आपसे कंसल्ट कर लेंगे क्योंकि आप ऑफर लाए हैं TMC से, बात कर लेंगे। हाँ हाँ, कल के तो पार्टी फॉर्मेशन डे है और इंशाल्लाह आप लोग तशरीफ लाइए और हमारी पार्टी अपना एक सियासी सफर जिसका आगाज 1957 में मरहूम फखरे मिल्लत अलैहि रहमा और उनके साथियों ने किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस एक ताकत और मौक़फ़ रखती है और जो हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी, जो खून पसीना बहाया, जेल की सोहबतें और मसायब और मुश्किलात का सामना किया, आज उन्हीं की कुर्बानी और मेहनत की वजह से आज मजलिस इस मुकाम को पहुंची है। तो यकीनन हम उन तमाम हमारे मरहूम कायदीन को, हमारे जो जिम्मेदारान जो आज इस दुनिया में, उन सबको खराज अकीदत पेश करेंगे, उनको याद करेंगे ताकि उन तमाम लोगों की मेहनत, कुर्बानी और उनके जो उम्मीदें थी हम उसको पूरा कर सकें। और उसका तरीक़ा एक ही है कि हम लोग और ज़्यादा मेहनत करें, इखलास पैदा करें और मजलिस के पैगाम को आवाम तक लेकर जाएं और ख़ास तौर से गरीब आवाम के दरमियान में रहकर उनके इंसाफ का, उनके हकूक़ का मुतालबा करें और उस पर अमल भी करें। तो कल इंशाअल्लाह ताला दारुसलाम में सुबह 10:30 बजे पहले परचम कशाई होगी और परचम कशाई के बाद एक जलसा होगा और हमारी पार्टी के लिए
कल का दिन एक 2 मार्च एक बड़ा अहम और तारीखी दिन है और हम तमाम मजलिस के जिम्मेदारों के लिए एक फ़ख्र का दिन भी है और यकीनन तमाम मजलिस के जिम्मेदारान मुहिबान मजलिस कल दारुस्सलाम में जमा होंगे और हम अपने जमात के पैगाम को और जमात की मेहनत और जस्तजू का जिक्र भी करेंगे। बोल दिया ना मैडम, सब बताएंगे आपको टाइम। अभी इस पर कोई बातचीत नहीं हुई कुरैशी साहब, इस पर कोई बातचीत नहीं हुई। पार्टी में हमको बैठ के बात करना है, एक लाया मल तय करके आपको बताएंगे।